नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बारह करोड़ पचास लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। अफजाल की लखनऊ स्थित ये अचल संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर के सांसद हैं अफजाल अंसारी। बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क। गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी सांसद हैं बसपा से। अफजाल अंसारी की लखनऊ स्थित अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई। 12 करोड़ 50 लाख की अचल संपत्ति कुर्क। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, प्रदेश में अपराध चरम पर, कोई दिन नहीं जा रहा जब आपराधिक घटनाएं ना हो रही हों। और बीजेपी सरकार सोशल मीडिया पर अपने भक्तों और 2 रुपए में ट्वीट करने वालों से ट्रेंड करवाकर कानून व्यवस्था की बात कर खुश हो रही है। प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ प्रचार से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती। प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार इस बात को आखिर कब समझेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पर सरकार नाकामयाब है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है, कहा है कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार उसको अच्छे से नहीं ले पा रही है या उस पर सुधार नहीं कर पा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से दयनीय स्थिति बनी हुई है और बदहाल व्यवस्था इतनी ज्यादा है कि लोग शिकायत करने से डर रहे हैं, थाने में फरियादी जाने से डर रहे हैं कि कहीं पुलिस उन्हें बैठा न ले, उनसे कुछ उल्टे सीधे सवाल करके उन्हीं पर मुकदमा न हो जाए। इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही है, उस बात में कुछ सच्चाई है। आप भी जानते हैं कि बिना आज के कोई धुआं नहीं उठता है। सरकार में मानता हूं कि ईमानदार है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ उनको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी सही से काम नहीं कर रही है। नौकरशाही बेलगाम है, उस बेलगाम पे लगाम लगाना पड़ेगा। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बात उठाई है, कांग्रेस के साथ साथ समाज सेवियों ने बात उठाई है और तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी एक स्वर में ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं बेशक कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे भी एक रीजन ये है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी है क्योंकि सांसदों का हस्तक्षेप चलता नहीं है, विधायकों की सुनवाई होती नहीं है, जिस कारण अधिकारी बेलगाम है। अगर कोई शिकायत को करता है तो शिकायतकर्ता को गायब धमकाया जाता है, शिकायतकर्ता को बताया जा रहा है और रेत जैसी घटनाएं पर रोक नहीं लग पा रही है। दूसरी बात, जो पुलिस को हाईटेक करने की बात की जा रही है कि पुलिस हाईटेक होगी, सवाल यहाँ पर हाईटेक करने का नहीं है, सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था को हाईटेक करने का है। जब तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हाईटेक नहीं किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी पे दौरे नहीं होंगे और मुख्यमंत्री अपनी एक टीम बना करके इनकी जांच नहीं करेंगे, जिले जिले में मुख्यमंत्री को अपनी टीम बनानी पड़ेगी जो गोपनीय जांच करे कहां पर क्या कार्रवाई हो रही है। जब क्षेत्र की बात की जाए तो उस पर भी कोई शिकायत निस्तारण नहीं होता है, बिना निस्तारण के ही वो निस्तारण कर देते हैं, शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है। जबकि 2.0 के सरकार में साफ साफ ये बात कही गई थी कि कोई भी शिकायत होगी तो उस पर अधिकारी गंभीर रहेंगे, आदेश लगातार होते हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए
तो भू माफियाओं पर तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो आम जनमानस से जुड़ी चीजें हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस शिकायतकर्ता को ही पीट रही है, शिकायतकर्ता को फंसा रही। आपने देखा होगा एक वीडियो दीवान का आया है जिस पर चार लोग लखनऊ के अंदर उस दीवान को मार पीट रहे थे। तो इसे क्या समझा जाए? क्या कानून व्यवस्था का खत्म हो गया है? या पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस वजह से मजबूर होकर जो हाथापाई कर रहे हैं? पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने के पीछे है। यूपी पुलिस के साथ साथ सरकार के ब्यूरोक्रेसी को यह बात समझनी होगी कि अगर विपक्ष आम के ऊपर निशाना साध रहा है तो कौन सी कमियां हैं। आपने इन्होंने करप्शन पर रोक लगाया, ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में भी ट्रैफिक पुलिस वाला घुस रहता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। हाल ही में भी बात की जाए देवा कोतवाली की, तो वहाँ पर भी बहुत बुरे हालात है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुरता हाल नहीं है। बिल्कुल दानिश, लगातार मुख्यमंत्री भी अपने बयानों में कहते नजर आते हैं कि प्रदेश में लगा जो कानून व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है कि अब तक जो पिछली सरकारें रही हैं उससे बहुत बेहतर है। लेकिन इस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता का बयान कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि प्रदेश में अराजकताएं अब भी हैं और घटनाएं लगातार हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं इससे नहीं रुक रही है, चाहे वो हाथरस कांड की बात की जाए, लखीमपुर की बात की जाए, कभी सभी इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को एक चीज समझनी होगी कि वो ईमानदार मुख्यमंत्री है, चीजों का उनका एक वादा है और वादे के साथ साथ करप्शन पर रोक का वादा है। लगातार ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि शिकायत हो जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। जब घटना घट जाती है तो मौके पर जांच बढ़ाई जाती है, उच्च अधिकारी आते हैं और आनंद फानंद में दो चार लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर वही तरीके से हिलावाल चलती रहती है। क्या उत्तर प्रदेश अंदर ब्यूरोक्रेसी कोई मतलब नहीं रहा? अगर जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है, चलिए ठीक है, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये दायित्व नहीं रहा कि ट्विटर से लेकर के फेसबुक से लेकर के शिकायतकर्ता जो लिखित में शिकायतें दे रहे हैं वो थाने पर जाते हुए क्यों कर रहे हैं, वो अधिकारियों से मिलते हुए क्यों कर रहे हैं, अधिकारी उनसे गंभीर क्यों नहीं है, इस चीज को लेकर के समझना होगा। अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी की, तो यहाँ पर दो मामले ऐसे उठे हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक सिपाही को ट्रैफिक पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया एक मामले पे, लेकिन अभी बात की जाए तो देवा महोत्सव को लेकर के एक मुद्दा चल रहा था जिसमें अमिताभ ठाकुर ने कुत्ते को उठाया था, प्रोफाइल पे चल रहा है, और जिसपे मुख्य सचिव का आदेश था कि जब कोई उच्च अधिकारी किसी अधिकारी पर आरोप लगे या किसी कर्मचारी पर तो वो स्वयं जांच नहीं करेंगे। वो कह रहा है जिसको आरोप लग रहा है वही जांच कर रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है, विडंबना कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का निर्देश पालन नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, मुख्यमंत्री का आदेश के बाद भी उनके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, विपक्ष भी हमलावर है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है प्रदेश सरकार पर। जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई किसी के मामले को लेकर के अधिकारी बाइक नहीं देने को तैयार होते हैं, अधिकारी रिएक्शन देने को तैयार नहीं होते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि घटनाएं होती रहेंगी और रिएक्शन से बचते रहेंगे? तो क्या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है कि वो गुडवर्क करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? क्या बैड वर्क पर उनका कोई दायित्व बनता है? वो बैड वर्क पर उसका दायित्व नहीं बना, इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, इसमें कहीं ना कहीं सत्य है और बिना हाथ के धुआं नहीं उठता है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी भी ये बात कह रही है, लेकिन लेकिन सरकार की ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है और ब्यूरोक्रेसी की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार की जो नियमावली है, जो वादे है, उसको कहीं ना कहीं पुराना घात ब्यूरोक्रेसी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए, फिर आपके पास लौटेंगे। चार सौ लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, सैकड़ों लोगों को ईसाई बनाने का आरोप, जबरन घर से देवी देवताओं के हटाए जा रहे फोटो, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप, बीजेपी नेता सैकड़ों लोगों को लेकर पहुंचे एसएसपी ऑफिस। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है, सैकड़ों लोगों को ईसाई बनाने का आरोप, जबरन घर से देवी देवताओं के हटाए जा रहे फोटो, पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन का ये आरोप लगा है। बीजेपी नेता ने सैकड़ों लोगों को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 400 लोगों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगा है, सैकड़ों लोगों को ईसाई बनाने का आरोप, मेरठ में
जबरन घर से देवी देवताओं के हटाए जा रहे फोटो। फर्जीवाड़ा कर जमीन ट्रांसफर का मामला, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी, सीओ चकबंदी से साठगांठ का लगाया आरोप, जिलाधिकारी ने मामले में दिए जांच के आदेश, सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर ग्रामीणों से की बात, डीएम ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर जमीन ट्रांसफर का मामला है, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी है, सीओ चकबंदी से साठगांठ का आरोप लगाया है, ग्रामीणों ने सीओ चकबंदी से साठगांठ का आरोप लगाया है, जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर ग्रामीणों से बात की है, डीएम ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर जमीन ट्रांसफर का मामला, बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर धरना जारी। फिरोजाबाद डीएम रवि रंजन की दबंग पत्नी पर पुलिस वालों से दुकानदार को पिटवाने का आरोप लगा है। दरअसल आरोप है कि खरीदारी के बाद डीएम की पत्नी सामान गाड़ी तक न रखवाने से नाराज हो गई, जिसके बाद उन्होंने दुकानदार की पुलिस से पिटवाई करवा दी। साथ ही पुलिस दुकान पर काम कर रहे स्टाफ और मालिक को थाने उठा लाई और उस पर केस दर्ज कर दिया है। साथ ही पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज भी डिलीट करवा दिए हैं। वहीं मामले को लेकर के फिरोजाबाद व्यापार मंडल ने भी इस केस पर नाराजगी जताई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल कुमार जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है? दुकानदार पर पुलिस से पिटवाने का आरोप लगा है, डीएम की पत्नी पर यह आरोप है। जी बिल्कुल, साफ तौर से बता दें, यह मामला दीपावली से एक दिन पहले का है, जहां डीएम की पत्नी रवि रंजन, जो हमारे जिला अधिकारी है फिरोजाबाद, उनकी पत्नी कुछ सामान खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन कपड़े सामान खरीदने के बाद सामान को गाड़ी तक पहुंचाने को लेकर कुछ विवाद होता है। विवाद के बाद मामला इतना फूल पकड़ लेता है कि दुकानदार की मारपीट तक नौबत आ जाती है, और दुकानदार की मारपीट की गई, साथ ही साथ आसपास जो दुकानदार है उनके साथ भी मारपीट की गई, और पुलिस द्वारा जो डीवीआर कैमरे वगैरह होते हैं वो भी कहीं ना कहीं निकलवा लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा सकता है, एक डीएम की पत्नी इस तरीके से मामले को बढ़ाती है और इस तरीके से मामला सामने आता है, तो अपने आप में शर्मनाक घटना है। जी अतुल, क्या जिन लोगों को, जिन दुकानदारों को ले गया गया है थाने, क्या उन पर कार्रवाई की गई है, क्या उनको छोड़ा गया है, क्या अपडेट है? पूरे मामले में जब ये मामला मीडिया तक जाता है, मीडिया के जाने के बाद मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद उन लोगों को जो व्यापारियों को उठा लिया गया था उनको छोड़ दिया गया, हालांकि देर शाम तक, हालांकि पूरे मामले को लेकर व्यापारी पूरे नाराज है, क्योंकि इस तरीके से जब जिला अधिकारी की मैडम इस तरीके से शर्मनाक घटना करती है तो अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटना है। जी क्या पुलिस पर कोई कार्रवाई की गई है? जी साफ तौर से कह सकते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी का मामला है तो पुलिस पर कार्रवाई इतनी आसान नहीं लगता है कि जिलाधिकारी पर पत्नी होने के नाते तो कोई कार्रवाई होगी। अब वो प्रशासनिक मामला है, अभी तक कोई पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही जिलाधिकारी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है। कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पूरा मामला यूं ही पड़ा हुआ है और व्यापारियों में एक नाराजगी दिखाई दे रही है। ठीक ठीक है अतुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी के लिए। अतुल, फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।